डिजिटल मार्केटिंग करियर इन 2023। क्या लगा था मैं आपको मना करने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग मत करो? भाई साहब करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बड़े लोग करते होंगे। जानना चाहते हो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि पूरे डिटेल भी बताऊंगा और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है तो सब कुछ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग करियर इन 2023। तो गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो चलिए पहले बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। भाई बहुत सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट है आपका, बिजनेस है आपका, सर्विस है आपकी। कहां सेल करोगे? लोगों को सेल करोगे? अब घर घर जाके या बिजनेस जाके तो बात करने से रहे, क्योंकि जितने बिजनेस के पास जाओगे उतना टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे। इससे अच्छा है कि एक एड क्रिएट करो, ऑनलाइन प्रमोट करो और प्रमोट करके उससे बिजनेस लेके आओ। डिजिटल मार्केटिंग इसी को कहते हैं। अच्छा, देखा कितना इजी होता है समझना। चलिए अभी बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है डिजिटल मार्केटिंग में। भाई सिंपल सा सवाल का आंसर यही है कि लोग आज की डेट में सबसे ज्यादा जो टाइम है वो कहां स्पेंड करते हैं। जल्दी से नीचे कमेंट में आंसर करो, मैं रुकने नहीं वाला, मैं आगे बोलते जाऊंगा। तो भाई साहब सीधा सब इसका जो जवाब है वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर में लोग सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं टाइम, पैसा नहीं। तो इसलिए आप भी अगर अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो अगर सेल करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कहां पे रहना है आपको उन लोगों के बीच में, क्या करना है? क्रिएट करने अपने पेज, प्रोफाइल नहीं, चैटिंग वैटिंग नहीं करनी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, एक कहानी सुनाता हूं मैं, बड़ी अच्छी कहानी याद आ गई। कहानी ये है कि एक ना आदमी, मैं जब बचपन में था, एक आदमी मैं ऐसे लाइन में लगा हुआ, बोले सबको लाइन में लगो, लाइन में लगो, लाइन में लगो। मैं भी लग गया लाइन में। अब ये लाइन में लग के करना क्या था, मुझे वहां से मूंगफली खरीदनी थी, तो लाइन काफी भीड़ थी, सब लोग बोले बड़े अच्छा यहाँ से मूंगफली मिलती है, मैं भी लग गया लाइन में। अब लाइन में ये हुआ कि वो भाई साहब जब थोड़े से इधर उधर हुए और एक भाई साहब आए पीछे से और आके रुक 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 करके आगे गए और अपना मूंगफली ली और चलते बने, और मैं वहां पे टाइम वेस्ट करते रह गया। राइट, अब भाई ये कहानी से क्या सीख मिली कि भाई आज का जो जमाना है वो है SEO का। गूगल पे सबसे पहले सर्च करता है लोग, कोई भी चाहे प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ भी खरीदना, सबसे पहले कहां जाता है? गूगल पे। और गूगल के पहले नंबर पेज पे जो आता है ना वही सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाता है। तो अगर आप सोचते हो कि मैंने वेबसाइट बना ली, कुछ नहीं किया, लाइन में लगे हो, SEO करना सीखो। SEO से क्या करोगे? जल्दी से आगे आ जाओगे, आगे आ जाओगे गूगल के पहले पेज पे आ गए तो बेनिफिट किसको? आपको, मुझे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मार्केटिंग है ना, देखते हो कि सोशल मीडिया पे ये दे धड़ाधड़ पूरा दिन लगे रहते हैं। मेरी बीवी भी लगी रहती है, पूरा दिन लगी रहती है ना। बीच में ना बड़े सारे एड आते रहते हैं, क्या लगता है आपको? वो इरिटेट करने के लिए? नहीं नहीं भाई साहब, वो आपको बार बार बोलते हैं भाई ये तेरा इंटरेस्ट है, ले मेरा प्रोडक्ट तेरे इंटरेस्ट के बराबर है, खरीद इसको। तो भैया क्या करना है आपको? सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि एड पे पैसा लगाना है, पहले सीख लेना उसके बाद लगाना। चलो अभी बात करते हैं एक और कहानी की। मेरे घर पे ना मेरा जो सबसे छोटा बेटा है उसके साथ बड़ी एक स्ट्रेटजी होती है। क्या बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके साथ में, जब भी कुछ भी दुकान, पास वाली दुकान से लाना है तो सबसे पहले किसको बोलते हैं? चल बेटा राजा ये लेके आ जा, चल बेटा राजा वो लेके आ जा। तो भाई अब ये बताओ कि घर के अंदर इंपॉर्टेंट कौन? जल्दी से वीडियो रोको, नीचे कमेंट करो, घर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? कमा के लाने वाला, बना के खिलाने वाला, या फिर जो सामान ला के देने वाला? बट ऑब्वियस है बच्चा, जो सब जगह से आपको सामान ला के दे रहा है उसका इंपॉर्टेंस कई बार हम समझते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग होती है, सबके पास है, सबको, सब लोग रिसीव करते हैं, हजारों ईमेल से रिसीव करते हैं लेकिन उसको यूज नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ईमेल मार्केटिंग, बिकॉज इससे आपको काफी अच्छे कंपेयर टू अदर जो टूल्स हैं उससे ज्यादा आपको यहाँ पे पैसा मिलता है, आपका जो कन्वर्जन रेशियो है वो ईमेल पे ज्यादा होता है, इसको नहीं भूलना। अब बात करते हैं भाई क्रिएट, अभी देख रहे हो ना वीडियो, क्यों देख रहे हो ये वीडियो? क्योंकि आपको अच्छी लगी है ना। तो ये ऐसे कॉन्टेंट क्रिएट करना, आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट जो है वो इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि ये आगे चल के बेनिफिट देगा, क्योंकि जो भी चीज आप बता रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में, ये आपके जो लोग हैं ना जो देख रहे हैं,
तो ये तो आप फ्री में देख रहे हो, मैं कुछ सेल नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे जो है सेल करते हैं अपने कॉन्टेंट को, तो बेसिकली यहां से हमें क्या मिलते हैं, कस्टमर मिलते हैं, इसीलिए हम लोग कॉन्टेंट बनाते हैं। मुझे भी मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं नहीं बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पे पर क्लिक। अच्छा पहले टॉपिक बताते, कोई बात नहीं, गूगल या कोई भी एड होती है ना उसके अंदर ना हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है पे पर क्लिक। मतलब एड कितनी बार भी दिखे मुझे कोई पैसा नहीं देना। पैसा कब देना है, जब कोई उस पर क्लिक करे। तो इसीलिए गूगल एड सीखो, एडवर्टाइजमेंट सीखो और उस पर स्पेंड करो। चलो बहुत होगी बातें, अभी डिजिटल मार्केटिंग समझने की, बहुत समझ लिया, बहुत पढ़ लिया, अब कितना पढ़ोगे यार, और भी थोड़ा सा अगले वीडियो के बचा के रखते हैं। अब बात करते हैं, पानी पी लूं, नहीं छोड़ो बाद में पी लूंगा। तो एक काम करते हैं अभी, ये समझते हैं कि पैसा कमाना कैसे, क्यों बहुत थक गया यार सिखा सिखा के डिजिटल मार्केटिंग तुम लोगों को। चलो एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं कि अभी जो है कमाना कैसे है पैसा। पैसा कमाने का सिंपल सा मत काम है, सेल योर सर्विस और प्रोडक्ट, यही करना, इसी से पैसा मिलेगा। या तो सर्विस सेल करोगे और या फिर प्रोडक्ट सेल करोगे। नहीं है सर्विस भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, कोई बात नहीं। अगला स्टेप सीख तो लिया ना डिजिटल मार्केटिंग, अब मैंने जो सिखाया ठीक है, अब उसका कोर्स बनाओ और उसको सेल करो। अच्छा ये भी नहीं आता, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तीसरा भाई चलते हैं, खुद का प्रोडक्ट नहीं है मान लिया है ना, क्योंकि खुद के प्रोडक्ट में बड़े तामझाम होते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट करो, मैन्युफैक्चर करो, उस पर पता नहीं कितने तरह के लाइसेंस लो, फिर उसको सेल करो, सेल करने के बाद में कस्टमर ने कंप्लेन करी तो उसके बाद में उसको जो है रिफंड करो, उसको रिप्लेस करो, बड़े तरह तामझाम होते हैं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक और तरीके से अर्निंग करते हैं जहां पे इसे कोई टेंशन नहीं, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरे का प्रोडक्ट सेल करो और उस पे जब भी सेल होगा सारी तामझाम सो भी टेंशन है वो तीसरे पर्सन की, जिसका वो प्रोडक्ट है, आपका काम सिर्फ बीच में कमीशन खाना, डकार लेना। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, ये भी नहीं आता, एक काम और कर सकते हो मेरी तरह, कैमरा उठाओ मोबाइल का और चुपचाप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, यूट्यूब पे डालो, सोशल मीडिया पे डालो, कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा, और आएगा, मुझे भी आता है आपको भी आएगा। यही है आपका फ्यूचर 2023 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का। अच्छा लगा है नीचे जल्दी से लाइक शेयर कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन दबा देना, नए वीडियो में मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।